हाई एवरी वन, वेलकम टू लर्न विद मी, दिस इज शीनम कटारिया। आज आप करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री क्लास फर्स्ट। 1857 तो लेके 1947 आप कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडियन नेशनल मूवमेंट। 1857 तो जो भी पहला वाला है वो मैं बिल्कुल थानू छोटा 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 दसागी, जो भी मैं लगेगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आप बाद चो कर कवर करेंगे। पहले आप 1857 तो लेकर 1947 कवर करेंगे। रिवोल्ट ऑफ 1857 दी आज मैं इस वीडियो से तुम्हें बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाली हाँ, सिर्फ एक बेसिक इंट्रोड्यूस करवाने वाली हाँ। बाकी एंती काल तो पीपीटी आएगी, पीपीटी पूरा बन के आएगा, एक बेसिक तुम्हें मैं दसागी अच्छ। ये जड़िया क्लासिस ने फ्री ने नैब तहसीलदार कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर GKSC नंबर की कवर करवाई जा रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एक मैं ये कहना चाहनी हाँ, अगर तुम मॉडर्न हिस्ट्री समझना चाहते हो तो तुम्हें पहले एक्ट आने चाहिए ने, कंपनी रूल ते क्राउन रूल। ए जाओ मेरे चैनल ते प्लेलिस्ट देखो, पॉलिटी की 3 क्लासेस आ चुके हैं, वो एक्ट चल रहे हैं। अगर तुम एक्ट नहीं समझे ना तो तुम मॉडर्न हिस्ट्री नहीं समझ सकते, क्योंकि मैं इतने हर एक एक्ट को कनैक्ट करके ही पढ़ाने वाली हाँ। एवें समझ ही नहीं आएगी मॉडर्न हिस्ट्री तुम, पहले जाओ 3 क्लासेस देख लो जल्दी तो जल्दी, 2x की स्पीड करो, क्लासेस देख लो, ठीक है। हम देखो रिवोल्ट ऑफ 1857 बारे एक इंट्रोडक्शन देने बेसिक जी, सॉरी। देखो रिवोल्ट ऑफ 1857 हम 1857 का युद्ध जिन्होंने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। इस तो बाद 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया सी। 1858 के एक्ट के अंदर ना जो ब्रिटिश क्राउन सी उन्हें सीधा रूल करना शुरू करता सी। हुण वही गल आ कि एक्ट जाके देखो, क्वालिटी की 3 क्लासेस मैं करा चुकी हाँ, ताई मॉडर्न हिस्ट्री समझ आऊगी। इस 1857 के रिवोल्ट ने ना अंग्रेजा नू ना हक्का बक्का करता सी कि यह की हो गया। अगर ऐसा रिवोल्ट अंग्रेजा ने सोचा आने वाले 4-5 साल च फिर तो हो गया ना, तो बस काम खत्म, सानू तो इंडिया छड़ के जाना ही पैना है। इस करके उन्होंने की किया 1858 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ जिहड़ा इंडिया एक्ट लैके आए, ठीक है, तो उस एक्ट के तहत उन्होंने की किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जिहड़ा भी जो भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करती पी सी इत्थे उन्हें खत्म किया। सीधा ब्रिटिश क्राउन ने रूल करना शुरू करता इंडिया से, ताकि यहोजा रिवोल्ट कभी भी दोबारा ना आवे जिन्हों फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। हम देखो जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है ना, उनका ना एक इमीडिएट कोज यह मनिया जाता है कि वह कहते हैं कि जोड़े इनफील्ड राइफल्स से है ना, वो अंदर काओ की पिग की जोड़ी चर्बी सी मतलब वह भरी गई, उनके बारूद को मूँह के नाल छिल के वह भरनी सी है ना, तो इस करके रिवोल्ट होया सी। देखो वो तो एक कारण है, आप एक कारण मान सकते हैं उन्होंने, बट अगर एक एडा वड्डा रिवोल्ट होंगे ना, एक कारण तो रातों रात रिवोल्ट नहीं हो जाता, एक दिन च रिवोल्ट नहीं हो जाता, ऐसे बहुत सारे कारण से। 1757 तो लैके 1857 पूरा ऐसे जो भी अंग्रेज़ लैके आए से ना, वो सारे तो दुखी हो चुके से इंडियन। 1857 तक भड़ास कढ़ी गई सी, कोई एक ही रीज़न नहीं सी कि काओ तो उनकी चर्बी आई सी, मंगल पांडे ने विद्रोह किया सी, ऐसा कुछ नहीं सी। हाँ वो कारण जरूर सी, बट वो इमीडिएट कोर्स बन गया, ठीक है। ऐसे पिछे पहला बहुत कुछ हो चुका है, लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आ चुकी है 1848 के अंदर, बहुत सारे कारण ने इस 1857 के रिवोल्ट, चाहे ये रिवोल्ट सक्सैसफुल नहीं होया, दब के रह गया, बट ऐसे कारण बहुत ने। बहुत गुस्सा सी, बहुत भड़ास सी इंडिया के लोगों च, ठीक है। तो आप इन कोर्सिस बारे गल करते हैं। ये देखो कोर्सिस ऑफ 1857 रिवोल्ट, सब ना पहले आप गल करांगे मिलट्री कोर्स। कारण सी अलग अलग कारण सी है ना, मिलट्री कोर्सिस की सी, पॉलिटिकल की सी, इकनोमिक की सी, सोशो रिलीजियस की सी, ठीक है, इमीडिएट की सी, अदर कोर्सिस की सी। आप सब ना पहले पढ़ते हैं मिलट्री कोर्सिस बारे। इतने मैं सिर्फ तुम्हें एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, कल तुम्हें पीपीटी सारा कुछ मिलेगा, लिखा आया, टाइप किया आया, अलग अलग सोर्सिस तो मैं सारे इंपोर्टेंट पॉइंट इन पावगी। इस करके टेंशन लैन की जरूरत नहीं है कि इतने मैं ओरली समझा रही हूँ तुम्हें सिर्फ, ठीक है। देखो मिलट्री कोर्सिस की सी, जड़े ब्रिटिशर्स से ना वो की करते सी, इंडिया के लोगों ना बाहर भेज देंगे सी युद्ध लड़ने वास्ते, ठीक है। इंडिया के लोगों की ना जी भावना सी वो ये बनी हुई सी कि वह आधा समुद्र पार करके नहीं जाना चाहते सी, इस करके उन्होंने ये चीज़ हर्टफुल लगती सी कि असी बाहर नहीं जाना चाहते आधा समुद्र पार करके, बट सानू ब्रिटिशर्स भेज रहे हैं, एक कारण सी। दूसरा कारण सी डिफरेंसिस सी बड़ा सैलरी के अंदर, मान लो एक इंडिया का सोल्जर है उन्होंने 1000 रुपये महीना सैलरी मिलती सी, और जो ब्रिटिशर का जो सोल्जर से उन्होंने 10,000 रुपये महीना सैलरी मिलती सी, ये भी एक कोस सी।
ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਬਣਿਆ 1857 ਦੇ ਰਿਵੋਲਟ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਰਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕੀ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਰਸਿਸ ਕੀ ਬਣੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਰਸਿਸ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣੇ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਰਸਿਸ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਰਸਿਸ ਬਣੇ ਲੋਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੀ ਡੋਕਟ੍ਰਾਈਨ ਆਫ ਲੈਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ, 1848। ਉਹੀ ਲੋਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 1848 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1856, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਕਟ ਦੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਐਕਟ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੀ। 1833 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1848 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1856 ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਲੋਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ। ਓਕੇ, ਇਸ ਲੋਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਇੱਕ ਡੋਕਟ੍ਰਾਈਨ ਆਫ ਲੈਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਪੈੱਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਲੈਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਲੋਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਸੀ ਉਹ 1848 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1856 ਤੱਕ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। 1848 ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਡੋਕਟ੍ਰਾਈਨ ਆਫ ਲੈਪਸ। ਇਹ ਡੋਕਟ੍ਰਾਈਨ ਆਫ ਲੈਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਰਾਜਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਕਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਿਆਭਾਰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? ਤਾਂ ਲੋਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੜਪ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਲੋਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਡੋਪਟਡ ਸਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਅਡੋਪਟਡ ਸਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਕਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਇਹ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਲੋਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਭੜਕ ਉੱਠੇ, ਉਹਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਪੇਸ਼ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਅਡੋਪਟਡ ਸਨ ਸੀ ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਾਜੀ ਰਾਓ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1857 ਦਾ ਰਿਵੋਲਟ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਡੋਕਟ੍ਰਾਈਨ ਆਫ ਲੈਪਸ ਲੋਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੀ 1848 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਉਹ ਸੀ ਵੈਲਸਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਇੰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵੈਲਸਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਵੈਲਸਲੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਵੈਲਸਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਆਰਮੀ ਦਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਦਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਦੇ ਦੇ? ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦੇ ਆਪਦੇ ਰਾਜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ। ਬਟ ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਇੰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੜਕ ਕੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰਸਿਸ ਕੀ ਨੇ? ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰਸਿਸ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਮਾਲਵਾੜੀ ਆਇਆ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ, ਰਿਓਤਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੀ, ਮਾਲਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਸੀ, ਰਿਓਤਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਕਲੂਜ਼ਨ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਟੈਕਸਿਸ ਲਗਾਉਣਾ, ਟੈਕਸਿਸ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰਸਿਸ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੀ ਨਾ ਜਦੋਂ PPT ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਮਾਲਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਰੁਤਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ 'ਚ ਸਿਸਟਮ ਆਏ। ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰਸਿਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਸੀ ਸੋਸ਼ੋ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕੋਰਸਿਸ। ਸੋਸ਼ੋ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕੋਰਸਿਸ ਕੀ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸੋਸ਼ੋ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕੋਰਸਿਸ ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਿਡੋ ਵਿਡੋ ਰੀਮੈਰਿਜ ਮਤਲਬ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਡੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ 1829 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ? ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰੋਏ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਉਹੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕਰ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨ ਆਫ ਵਰਸਟਾਈਲ ਜੀਨੀਅਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਇਹੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ 1828 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਨੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਕਤਾ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਘੁਸ ਰਹੇ ਨੇ।
हाँ अगर वेख्या जाए सती प्रथा वर्गिया चीज़ा सही नहीं सी, बट पुराने टाइम च की सी उन्हां दे विचार बने हुए सी, उन्हां दे धर्म सी प्रथा सी, है ना। बट ये सही नहीं सी चीज़ा, बट पुराने टाइम च ना लोग जो चीज़ा करते सी उन्दे बहुत ज़्यादा पक्के होंदे सी। हुण विडो दा विआह नहीं होना, हुण विडो रीमैरिज भी आया, ठीक है। तुसीं दसना विडो रीमैरिज नूं लियान च किहदा जोर रहा, ठीक है। किहड़े ब्रिटिशर्स दा किहड़ा गवर्नर जनरल, कौन वॉइस रॉय, कौन सी, मतलब वो तुसीं ये दसना। सती प्रथा में तुहानूं दसदी विलियम बेंटिक, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये जिहड़े लोग ने, मतलब जिहड़े ये अंग्रेज़ ने, ये साडी, मतलब साडी ही सोसाइटी दे बनाए धर्मां नूं ये की कर रहे ने। उस तो बाद है इमीडिएट कोर्स। इमीडिएट कोर्स की रहा, इमीडिएट कोर्स मैं तुहानूं दस दिता सी पहले भी, है ना। वन सेकेंड, इमीडिएट कोर्स तो मैं तुहानूं पहले भी दस्या सी की बनया। 1857 का जो काओ ते पिग, हुण जिहड़े इनफील्ड राइफल सी उनका चगर तुसीं उन्हां दे बारूद मूँह नाल छिलके भरने ने, तो उहदे अंदर तुसीं की भर रहे हो, मतलब एक तरह का मीट जो होंदा ना, मतलब काओ का ते पिग का, वो जिहड़ी चीज़ सी उन्हां नूं पसंद नहीं आई सी इंडिया दे लोगों नूं। उन्होंने कहा काओ साडी माता है, असीं मार के ये चीज़ नहीं कर सकते, ये सी, ठीक है। होर भी बहुत सारे कोशिश सी, आपां इन्हां नूं धीरे धीरे पढ़ा। बट 1857 का रिवोल्ट मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, तुहानूं पीपीएससी नैप तहसीलदार कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर च पेपर च क्वेश्चन वेखन नूं जरूर मिलेगा। इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन दसी है, कल तुहानूं पीपीटी सारा कुछ मिलेगा। इकनोमिक कोशिश, पोलीटिकल कोशिश, सारे इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट पॉइंट मैं पीपीटी टाइप करांगी, तुहानू पीडीएफ भी मिलेगी। ये सिर्फ मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन ही दिती सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर तुहानू मेरी वीडियोस पसंद आदि ने, प्लीज़ सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि मैं तुहाडे लई मेहनत कर रही हाँ, तो तुसीं उहदे बदले सिर्फ सबसक्राइब तो कर ही सकते हो ना, शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। अगर नहीं पसंद आ रही तो कुछ भी ना करना, क्योंकि कोई भी चीज़ नूं आपां बिना पसंद आए नहीं कर सकते। वैल्यू उस चीज़ की, अगर तुहानू कोई चीज़ पसंद आ रही है तो तुसीं उहदे बदले की कर सकते हो। तुहानू कुछ नहीं पे करना है, इत्थे पीडीएफ भी मेरिया ने, ठीक है, सब कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो च।